हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। गाइस, कि आपको भी कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करना सीखना है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और चैनल पे पहली बार आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख देना है डेली इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस लेट्स बिगिन इन द वीडियो। हेलो गाइस, कर रखें पहले हम लोग को पिक्सेड ऐप को ओपन कर लेना। पिक्सेड ऐप को ओपन करने के बाद करना क्या, मैं बता दूंगा वीडियो में, लास्ट तक बने रहना सेम टू सेम कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करने के लिए। तो पहले हम लोग को चल जाना प्लस वाले सेक्शन पे, एडिट ए फोटो पे, और यहाँ से हम लोग को बैकग्राउंड वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके हम लोग को ये व्हाइट कलर का बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। इस तरह से करने के बाद करना क्या है, हम लोग को यहाँ से चल जाना टूल्स पे, क्रॉप पे, और यहाँ से इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट का साइज को सिलेक्ट करके और यहाँ से हम लोग को डन कर लेना है। डन करने के बाद करना क्या, कुछ इस तरह का बैकग्राउंड हो जाएगा। अब करना क्या, हम लोग को स्क्रॉल अप करके चल जाना हम लोग को यहाँ से ऐड फोटो वाले सेक्शन पे, और यहाँ से अपने मॉडल के फोटो को ऐड कर लेना जो कि बैकग्राउंड रिमूव रहेगा। तो मैं कर लेता हूँ। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है तो मैंने इसकी भी ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो कि आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेक श्योर गाइस आप वो वीडियो देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल होगा बैकग्राउंड रिमूव करना एक ही क्लिक पे, मैंने वहाँ सिखा रखा है। इस तरह से ऐड करने के बाद करना क्या, मैं चल जाता हूँ यहाँ से फ्लिप पे एंड रोटेट पे, और यहाँ से मैं थर्ड वाले आइकन पे क्लिक करके इस साइड अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, मैंने फोटो को एडजस्ट कर लिया। आप करना क्या, आपने फोटो के ऊपर क्लिक करके स्क्रॉल अप करके चल जाना हम लोग को एडजस्ट वाले ऑप्शन पे। कॉन्ट्रास्ट को हम लोग को प्लस कर लेना हल्का सा, और यहाँ से मैं सैचुरेशन को हल्का सा माइनस की साइड रख लूँगा। सॉरी, मैं ह्यू को छेड़ लिया हूँ। सैचुरेशन को हल्का सा माइनस की साइड रख लेता हूँ। अब यहाँ से करना क्या है, यहाँ से हम लोग को डन करके बैक हो जाना है। फिर से डन करके बैक होने के बाद करना क्या, हम लोग को फिर से चल जाना ऐड फोटो वाले सेक्शन पे, और एक बैकग्राउंड का पीएनजी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके इजीली डाउनलोड कर लेना अपने हिसाब से। मैं 5-6 दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद करना क्या, मैं कुछ इस तरह से रोटेट कर लेता हूँ। इस तरह से आपको भी कर लेना है, और यहाँ से हम लोग को फुल स्क्रीन कर लेना है, और अच्छे से अपने बॉडी के ऊपर कुछ इस तरह से अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना है। इस तरह से लगाने के बाद करना क्या, पहले तो हम लोग को स्क्रॉल अप करके चल जाना ब्लेंड में, और यहाँ से आप स्क्रीन भी रख सकते हो तो देख सकते हो स्क्रीन अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम लोग को करना क्या, लाइटिंग रख लेना है। लाइटिंग जैसे ही रखोगे गाइस वैसे ही मस्त लगेगा फोटो। कुछ इस तरह से करने के बाद करना क्या है, पहले तो हम लोग चल जाना है ऐड फोटो वाले यहाँ पर क्लिक करके एडजस्ट पे, और यहाँ से हम लोग को हल्का सा कॉन्ट्रास्ट को प्लस कर लेना है 23 के अराउंड। अब ब्राइटनेस को हल्का सा कम कर लेना है इस तरह से। इस तरह से करने के बाद करना क्या है, हम लोग को चल जाना है यहाँ से डन करके बैक, फिर इरेजर टूल पे इरेज पे हार्डनेस को कम करके साइज को 75 के अराउंड और ओपेसिटी को 65 के अराउंड। यहाँ से करना क्या, अब हम लोग को इसको बैक करके हम लोग को हल्का हल्का ये लाइन को पेंट कर लेना है, यानी कि इरेज कर लेना है। देख सकते हो क्या ही मस्त लग रहा है फोटो। यहाँ से डन करके बैक हो जाना। अब करना क्या, हम लोग को चल जाना है यहाँ से इफेक्ट वाले टूल पे, सैंपल पे, सबसे लास्ट मिल जाएगा एक हम लोग को विग्नेट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके दोबारा इस पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ से तीन गो ऑप्शन देख रहे हो गाइस, इस पर क्लिक करके आप, हम मैं लास्ट वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फेड को कुछ इतना फुल रख लेना है, मैं दिखा देता हूँ साइज को पहले फुल करके, फेड को कुछ इतना रख लेना है, और यहाँ से डन करके बैक हो जाना है। तो देख सकते हो फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो गया है। तो फोटो को सेव करने के लिए करना क्या होगा, पहले तो हम लोग को चल जाना है डॉट टूल वाले सेक्शन पे, 3 डॉट पे, सेव इमेज, फोटो हो जाएगा सेव। तो कैसा लगा वीडियो गाइस कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख देना डेली इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस, बाय बाय।